जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और श्रीमद् भगवद गीता पर जैसे कि चर्चा चल रही है, तो आज का हमारा जो विषय है वो क्या है? पैनिक डिसऑर्डर। और युद्ध भूमि में अर्जुन को पैनिक डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक हो गया। ये पैनिक अटैक क्या हो रहा है? पैनिक अटैक आजकल वर्तमान युग में एक साइकोलॉजिकल बीमारी इसे मानी गई है, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या हो जाता है पैनिक अटैक में? पैनिक अटैक में अचानक से व्यक्ति को पसीने छूटने लगेंगे, शरीर कांपने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कमजोरी महसूस होने लगेगा उसे, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहा है, हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे सिर में दर्द भी होना शुरू हो जाएगा उसे। और ये ज्यादातर हुआ करता है यूथ में, युवाओं के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है पैनिक अटैक। तो अब अर्जुन को यहां पर क्या हो रहा है? प्रथम अध्याय में पहले तो वो शांत से कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले चले। क्या कहते हैं और किस प्रकार से कहते हैं? अर्जुन कहता है, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहा और संजय धृतराष्ट्र से सुना रहे हैं, क्या कहते हैं? हृषिकेशम तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयो रूभ योर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज जिसके ऊपर बजरंग बली का, जिसके रथ पर बजरंग बली का ध्वजा था, हनुमान जी का ध्वजा लगा हुआ था, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहता है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहां खड़ा रखिए, जब तक मैं भली भांति सबको देख ना लूं। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि अर्जुन पूरे उत्साह में है, युद्ध के लिए तत्पर है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने युद्ध भूमि के मध्य में वो रथ को लेकर चले गए। और जब युद्ध भूमि के में रथ को लेकर चले गए, अर्जुन ने चारों तरफ देखा और चारों तरफ देखकर वो भगवान कृष्ण से क्या कहता है वह महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सम समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरा मुख सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन को पैनिक अटैक आ गया, पैनिक डिसऑर्डर आ गया उसे, पैनिक अटैक। डिसऑर्डर तब हम कहते हैं जब वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है, लेकिन पैनिक अटैक किसी को भी हो सकता है, लेकिन होता क्यों है? एक मानसिक दुर्बलता है। तो क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, बीपी डाउन हो रहा है और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, गांडीवम संस्रंसते हस्तात्वक चैव परिद्यते न च शोकम वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनहा। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। और गांडीव छोड़ के बैठ गया, हाथ पैर फूलने लगे, पसीने छूटने लगे, रोम रोम कांपने लगा, कमजोरी आ गई। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्य, पितर,
ताऊ चाचे लड़के, उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा तो मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, ये सारे पापी हैं, ये भी अर्जुन स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, हम क्यों इस पाप में लिप्त हो रहे हैं, क्यों युद्ध कर रहे हैं। पहले तो योद्धा बनकर आ गया, लेकिन जब देखा कि पूरा परिवार ही युद्ध भूमि में खड़ा है तो हाथ पैर फूलने लगे, इतना आसान नहीं होता। एक बार अपने आप को अर्जुन की जगह खड़ा कर देखिए, फिर समझ में आएगा। गीता सुना देना, माइक पकड़ के प्रवचन कर देना आसान है, लेकिन एक बार खुद अर्जुन बनिए और विचार कीजिए कि आपके ही पिता, आपके ही घर के सारे लोग, आपके ही सारे भाई युद्ध भूमि में मरने के लिए खड़े हैं। कोई कभी भी मर सकता है, किसी भी पक्ष की मृत्यु हो सकती है, तो अर्जुन यही तो कह रहा है, यही तो उसकी समस्या है, और वो तरह तरह की बातें कह रहा है। तो हे जनार्दन इस जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होना पड़ता है। वर्ण संकरता का दोष के बारे में भी लिख रहा है, शोक, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो श्री कृष्ण संजय बोलते हैं, संजय कहते हैं कि श्री भगवान ने समझाना शुरू किया। पहला श्लोक यहां पर संजय उवाच है, दूसरे अध्याय में भी, इसलिए पहले ही ये कह दिया गया कि जो गीता आप पढ़ते हो ना उसका वाचक, उसका वक्ता, एक वक्ता संजय है, उपदेशक श्री कृष्ण है लेकिन वक्ता संजय है। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु। पहले श्री कृष्ण सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत समझा दूंगा तो ये मान जाएगा, थोड़े बहुत समझाने से, नॉर्मल बातें करने से ये मान जाएगा, लेकिन घटना कुछ और घट जाती है, तर्क शुरू हो जाता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में तर्क शुरू होता है, वाद विवाद शुरू होता है, कृष्ण अपना तर्क देते हैं, अर्जुन अपना तर्क देते हैं, फिर ये जब ये आगे बढ़ता है तो एक सीमा के बाद जाकर अर्जुन तर्क करना बंद कर देता है और सिर्फ कृष्ण की वाणी को सुनता है, लेकिन शुरुआत में तर्क करता है। क्या है, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्ट मस्वर्ग्यं कीर्तिकरं अर्जुन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, हे परम तप हृदय के तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान ने सोचा कि इसे नपुंसकता वाला काम कर रहा है, कायरता वाली बातें कर रहा है, तो इसलिए एक बार मैं इसे कायर बोलूंगा, नपुंसकता वाली बात कहूंगा तो इसे थोड़ी सी लज्जा आएगी और ये विचार करेगा, लेकिन विचार करना बहुत दूर की बात थी। अर्जुन के तो हाथ पैर फूले हुए थे, टेंशन में आ गया था, एकदम खून सूख रहा था उसका, धनुष बाण छोड़कर बैठ गया था कि हमसे ना हो पाएगा,
ऐसे तो युद्ध बहुत किए उसने, लेकिन जब पूरा परिवार सामने खड़ा है तो युद्ध बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनों से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। जीत जाओ तो भी नुकसान, हार जाओ तो भी नुकसान, दोनों तरफ से ये ऐसा युद्ध बन जाता है कि हारो तो हार कर तो हार है ही, जीत कर भी हार ही मिलना है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है। तो अर्जुन की भी वैसी ही स्थिति आ गई है, करे तो क्या करे, एक पैनिक अटैक उसके ऊपर हो गया है। और वो उत्तर देता है श्री कृष्ण को, क्या कहता है, कथम भीष्मम हम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है, वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। तो आगे कहता है, अपना तर्क फिर रखता है, इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे, हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो क्या किया जाए, यह अर्जुन का तर्क है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर रही कि क्या करना उचित है। कुछ लोग ये मानते हैं, ये अर्जुन का पैनिक अटैक उसको हो रखा है। अब भगवान कृष्ण क्या क्या उपदेश देते हैं, किस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं, वो आगे के विषय है, अगले व्याख्यान में हम उसको सुनेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, वो कहते हैं कि कृष्ण ने हिंसा करवाई, कृष्ण ने महाभारत करवा दी। लेकिन मुझे एक उत्तर दीजिए कि महाभारत को रोकने का सबसे बड़ा प्रयास किसने किया, दुर्योधन को समझाने का सबसे बड़ा कदम किसने उठाया, श्री कृष्ण ने उठाया। वो श्री कृष्ण ही थे जो कि सब समझाते समझाते थक गए थे, भीष्म पितामह विदुर जितने भी बुद्धिजीवी ज्ञानी जो व्यक्ति थे उस सब ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं माना, दुर्योधन पांडवों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं था। तब कृष्ण ही गए थे और कृष्ण ने ही कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। श्री कृष्ण ने जाकर कहा कि ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, आधा राज्य नहीं दे सकते हो, मत दो, 5 गांव दे दो, बस 5 पांडव है, 5ों पांडवों के नाम से 5 गांव दे दो और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी चाहिए तो युद्ध करके ले जाओ, बस सुई की नोक, मतलब वो जीवन जीने का अधिकार भी पांडवों से छीनना चाहता था, जीवन जीने का अधिकार भी। तब श्री कृष्ण ने हुंकार भरा, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, है सामर्थ्य तो अब बांध मुझे। तो ये श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी युद्ध की, क्योंकि दुर्योधन ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तो इसलिए हमें भी यह विचार करना है, अब भगवान सिर्फ सगे भाई बंधुओं को नहीं, धर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अर्जुन यह सब को नहीं देख पा रहा। अर्जुन भूल गया है कि किस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अर्जुन भूल गया है कि किस प्रकार से चौरस के खेल में छल हुआ। और अर्जुन चलो अर्जुन के अंदर एक सत्पुरुष का गुण है, लेकिन सतोगुणी वासनाएं भी होती हैं जो हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। वो सतोगुणी ही वासनाएं ही तो थी कि भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म बैठे थे सभा में। आज फिर से, क्योंकि स्वयं को श्रेष्ठ समझना हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़े दानवीर हैं, हम बड़े अहिंसावादी हैं, हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है,
हमारी कोई प्रशंसा कर दे, हमारा कोई गुणगान कर दे, तो अपना गुणगान सुनना हर व्यक्ति को प्रसन्नता। तो अर्जुन भी आज कुछ ऐसी विचारधारा से, सात्विक वासनाओं से ग्रसित हो गया है और उसे पैनिक अटैक हो गया है। पैनिक अटैक क्यों? क्योंकि अंग शिथिल पड़ रहे हैं, धनुष उठाने तक की क्षमता नहीं रह गई है, पसीना छूट रहा है सारा दृश्य देखकर, तो एक पैनिक अटैक है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। क्या समाधान भगवान कृष्ण समाधान देते हैं, क्या देते हैं, आगे के व्याख्यान में हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं। धन्यवाद।